अपने इदारे के तहत सन 2016 में मैंने एक प्रोजेक्ट का शुरुआत की थी जिसका नाम था आर्ट खटोला। आर्ट खटोला का मकसद यही था कि वो जहाँ जिस स्कूल में भी जाए उस स्कूल के आसपास जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते किसी वजह से भी, उनका जो स्कूल ना जाने का खौफ या कुछ वजह हैं वो हम उनको दूर करें। जो स्कूल के अंदर जो आर्ट की तालीम दी जाती है उसमें हमारे इंडिजीनियस आर्ट को, और देन वो शायद इस कॉम्पोनेंट को मिस कर जाते हैं कि हम ना सिर्फ वो आर्ट को और जो हमारा लोकल इंडिजीनियस कल्चरल आर्ट है वो उसको तो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, बट इसके साथ साथ वो बच्चों के रवैयों में बड़ी मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। आर्ट खटोला की टीम जितनी बार भी हमारे स्कूल में आई है तो इस टीम की वजह से हमारे बच्चों को मुख्तलिफ देहातों के बच्चों के साथ काम करने का मौका मिला है, और उससे ये फ़ायदा हुआ है कि बच्चों में उन बच्चों के साथ काम करने का मौका मिला जो स्कूल नहीं जाते, तो इस तरह से उन बच्चों में कोई फ़र्क नहीं रहा। हमारे स्कूल ने आर्ट खटोला वालों के साथ मिलकर काम किया और हमारे बच्चे जो हैं वो आर्ट खटोला गए और उन्होंने वहाँ पे जाके जो है बहुत से बच्चों के साथ वहाँ पे मुख्तलिफ आर्ट वर्क सीखे। हमारे जो बच्चे हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस आ गया, उनको आर्ट वर्क की चीज़ें सीखने को मिली। दूसरे जो बच्चे हैं उनको हमारे बच्चों से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और उनको भी स्कूल जाने का शौक़ पैदा हुआ। आर्ट के थ्रू बच्चों में मुस्बत तब्दीली देखी गई है। आर्ट की एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों में तख्लीकी और तनकीदी दोनों तौर पर मुस्बत तब्दीली सामने आई है। स्कूल्स में आर्ट पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है या आर्ट को एज अ सब्जेक्ट नहीं लिया जाता, एज अ एक्टिविटी लिया जाता है, एज अ को करिकुलर एक्टिविटी लिया जाता है, उन स्कूल्स के बच्चों में अच्छी सलाहियतें उभरती हैं या वो मुनफी जो उनमें एक रुझान होता है वो कम होता है और मुस्बत पहलू ज़्यादा नज़र आ जाता है। जब हमारे बच्चे वहाँ से सीख कर आए और आर्ट खटोला वालों ने यहाँ पर भी हमारे बच्चों को आके ट्रेनिंग दी, तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ बात करने का मौका मिलता है, कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। एजुकेशन के अलावा आर्ट वर्क भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। यही हमारा आर्ट खटोला का मैसेज है कि आप आर्ट के ज़रिए आप एक दूसरे के कल्चर को आप अप्रिशिएट कर सकते हैं और देन उसी तरह से अमन को आप फ़रोग दे सकते हैं।